नमस्कार, ये क्विक क्लैरिफिकेशन है उत्तर प्रदेश के मेरे दोस्तों के लिए, खासकर जो सरकारी कॉलेज ट्राई कर रहे हैं और वो घबरा गए यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट 2 जो कल शाम को निकली है कि सर ये क्या हो गया और हम तो अभी भी बहुत नीचे ही है। तो देखिए, सिर्फ मैं आपको उत्तर प्रदेश से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। मैं कहना जो मेरिट लिस्ट है वो upneet.gov.in पे पड़ी है, आप देख सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका ऊपर से कितने दूर है आप, और सिमिलरली सरकारी कॉलेज मिलने का कितना चांस है। प्राइवेट का तो हम कई बार बात कर चुके हैं, हम बता ही चुके हैं कि हार्डली एनी सीट्स आर अवेलेबल, और उसका लॉजिक भी क्लियर है कि जो वो 2 लाख रुपए लेते हैं जो वापस नहीं करते हैं, उसके मद्देनजर बहुत कम लोग ही पंगे लेते हैं। यूपी में फ्री एग्जिट नहीं होता है, 2 लाख रुपए का नुकसान होता है प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए। सरकारी की जहां तक बात है, देखिए बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, मैं सबका एग्जाम्पल ले रहा, पर हरियाणा है, उसका फॉर्म निकला है, वो लोगों से पूछ रहा है फॉर्म भरने से पहले कि भाई आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिली, आप ये वो करो कि तभी आप इससे पार्टिसिपेट कर रहे हो। हरियाणा की काउंसलिंग में आपको इतने से चेक बॉक्स पर टिक करना है कि आप किसी और सीट आपको नहीं मिल रही है। इस तरह पंजाब ने आपको 28 दिन तक का टाइम दिया सीट सरेंडर का, और वो स्पेशली आपसे पूछ रहे हैं कि आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, विलिंगनेस ले रहे हैं आपकी। अब उत्तर प्रदेश में दिक्कत ये, एटलीस्ट फॉर द स्टेट मेरिट लिस्ट, हमारे इतने सारे क्लाइंट हैं सब राउंड 1 में यूपी में सरकारी या प्राइवेट सीट लेके काउंसलिंग के बाहर हो चुके हैं, फिर भी सबका नाम इसमें आ रहा है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये राउंड 1 की मेरिट प्लस जिन लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया वो है। इन्होंने अभी तक काटा नहीं है किसी को भी जिसका एडमिशन हो गया यूपी में भी, क्योंकि दिक्कत यह है कि जब यूपी में आपने एडमिशन लिया है तो देखिए हर स्टेट में एक्चुअली एमसीसी तो बहुत अच्छा करती है, जब आप एमसीसी का अलग काउंसलिंग सॉफ्टवेयर है, हर स्टेट का अलग काउंसलिंग सॉफ्टवेयर है। एमसीसी में चाहे आप ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, चाहे ड्यून में जाते हैं, जब आपने रिपोर्ट किया था उन्होंने पूछा था आपसे कि क्या आप अपग्रेड के लिए जाओगे, तो जब आप हाँ बोलते हो ना तो वो अपने लॉगिन पे, वो सरकारी में भी लागू है, सरकारी वाले अपने लॉगिन से ड्यून वाले लॉगिन से एक बटन दबाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये अपग्रेड के लिए जा रहा है। स्टेट्स में तो ये सुविधा है नहीं उनके काउंसलिंग सॉफ्टवेयर में, तो आप इस समय अपग्रेड के बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, यूपी सरकार को कुछ नहीं पता, सो इज हरियाणा, सो इज पंजाब, सो इज ऑल अदर स्टेट्स, उन्हें कुछ नहीं पता। तो जो लोग एडमिशन ले भी चुके हैं वो भी एज पर यूपी सॉफ्टवेयर अभी भी वो एलिजिबल है राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करने के लिए। हाँ, आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास राउंड 1 की सीट रह गई। तो चूंकि यूपी को नहीं पता कि कितने लोग अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, जो एमसीसी में पता होता है डीम्ड में भी सरकारी में भी, उसी को वो वर्चुअल वैकेंसी बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज वर्चुअल वैकेंसी, क्योंकि यूपी को नहीं पता इसलिए सारे बच्चे आ गए हैं। तो घबराइए मत, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं स्टेट मेरिट लिस्ट ये नहीं रहेगी, इसमें काफी लोग हैं जो बाहर आ चुके हैं, तो इसको देख के आप ये मत सोचिए कि आप कितना दूर हैं, और काफी चांस रहेगा आपको कि आपको ऊपर की सीट मिल जाएगी। बट ऑफकोर्स जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि आपको रफ आइडिया तो लग ही रहा ना कि कितने लोग हैं जो यूपी में रिपोर्ट कर चुके हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कितनी सीटें एक्चुअली खाली है, क्योंकि यूपी में आपको पता ही रिपोर्ट करने के बाद जब आप छोड़ते हैं खासकर प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा पैसा आपका कटता है। तो फिर से मैं बाबा कहता हूँ कि हर स्टेट के रूल्स अलग है, हर स्टेट के डायनामिक्स अलग है, एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर काउंसलर जो कि समझदारी और आपको समय दे, जो आपको ये सारी जानकारी दे और आपको समझाए ठीक से कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यूपी की स्टेट मेरिट लिस्ट को देख के मत घबराइए, धन्यवाद। और आप हमारा प्रीमियम पैकेज लेना चाहते हैं तो पहले फोन कीजिए 9643362320, आप मुझसे बात कर पाएंगे, छोटी सी 10 से 12 मिनट की बात की, हम 1500 रुपीज चार्ज करते हैं, मैं आपका केस समझ लेता हूँ इतनी देर में, आपके को 2 सवाल होते हैं वो आप पूछ सकते हैं, एंड देन अगर आप उसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हम आपको पूरा प्राइस बताते हैं। हमारा कुछ प्राइस फिक्स नहीं है, जितनी आप हमसे मेहनत करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से ही हम कॉस्टिंग लेते हैं, और मैं खुल के कह रहा हूँ उसके हिसाब से ही आपको समय दिया जाता है। अब आप ये सोचें कि आपने 20,000 का पैकेज लिया और अब रोज आधे घंटे बात करेंगे, तो मैं ही नम्रता से मना कर देता हूँ कि सर मेरा समय का एक प्राइस है जो कि आपने अंदाजा लगा लिया 12 मिनट के 1500 रुपये, तो जितनी आपने फीस भरी है उतने तो आपको समय मिलेगा ना, तो वो भी आपकी समझदारी होनी चाहिए कि आप इस चीज को समझ लें। फिलहाल यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट से मत घबराए, धन्यवाद।